Hello students, let's move ahead. We are learning chapter 3 of your chemistry course, that is electrochemistry. There are few theoretical stuff, that's why I'm using this PDF. बहुत ज़्यादा इसमें mathematical चीज़ें नहीं हैं, just have to listen to it, but you have to learn it. दो चीज़ें हम पढ़ेंगे यहाँ पे, Faraday's law of electrolysis, प्राइमरी सेल्स एंड सेकेंडरी सेल्स एंड तीसरी चीज़ भी एक पढ़ेंगे, कोरोजन. कोरोजन आई वॉन्ट गो मच इन डिटेल क्योंकि हम लोग ऑलरेडी कई बार पढ़ चुके हैं वो सब चीज़ें. ये सब भी चीज़ें बहुत डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, जस्ट लिसन टू इट. हाँ, कुछ केमिकल इक्वेशंस आएंगे प्राइमरी सेल्स सेकेंडरी सेल्स के, कैथोड एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है, तो वो सब आपको लर्न करना पड़ेगा. जस्ट डू प्रैक्टिस अ फ्यू टाइम्स, आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है क्या नहीं. आपको कैथोड पे क्या होता है, एनोड पे क्या होता है, वो याद रखना है, एंड देन यू विल राइट द इक्वेशंस. सो लेट्स बिगिन विद द लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस तो आपको पता ही क्या है, थ्रू इलेक्ट्रोलाइट जब आप पास करते हो करेंट को, तो इलेक्ट्रोलाइट्स आयन्स में ब्रेक होते हैं एंड द आयन्स आर डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड्स. इसी प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस. इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक, लाइसिस मीन्स ब्रेकर्स, ठीक है. तो आयन्स, कोई इलेक्ट्रोलाइट हम जैसे H2SO4 है, उसके थ्रू अगर पास करते हो करंट को तो ब्रेक हो जाता है एच प्लस और सल्फेट आयन में. सो दैट इज़ इलेक्ट्रोलिसिस. जो फैराडे थे साइंटिस्ट, इन्होंने सबसे पहले उसके कुछ लॉज दिए थे, मतलब उसके अंदर होता क्या है किस तरीके से. तो दो लॉज उन्होंने दिए थे. पहला लॉ में उन्होंने ये बोला था कि जब आप किसी इलेक्ट्रोलाइट से करंट को पास कर रहे हो, ठीक है, तो आयन्स ब्रेक हो जाएंगे, और ब्रेक हो के कितना आयन, द अमाउंट जो किसी आयन का डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पे, वो डिपेंड करेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कितना करंट या कहने का मतलब चार्ज आपने पास किया है, ठीक है. द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल इलेक्ट्रिसिटी पास्ड. इलेक्ट्रिसिटी इज़ ए फॉर्म ऑफ चार्ज, तो चार्ज के टर्म में उन्होंने बताया, ठीक है. मतलब 5 एम्पियर पास करेंगे H2SO4 के सोल्यूशन से तो एक अमाउंट निकलेगा, 10 पास करेंगे तो उससे ज़्यादा निकलेगा, 15 एम्पियर पास करेंगे तो उससे ज़्यादा निकलेगा. मीन्स इफ़ W इज़ द अमाउंट जो डिपॉजिट हुआ है, और चार्ज मान लो Q चार्ज है जो करंट पास हुआ है, तो W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q. हमें ऑलरेडी ये भी पता है Q इज़ IT, करेंट इंटू टाइम. क्यों, I क्या होता है करेंट, चार्ज पर यूनिट टाइम, तो Q इज़ I इंटू टी. तो W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q आप देख रहे हो, एंड वी नो Q इज़ IT, सो द W बिकम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू टी. जब ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हो तो एक कॉन्स्टेंट आता है Z. इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हो, वैसे बहुत सिंपल सा चीज़ है. कहने का मतलब है एक इलेक्ट्रोलिसिस जब आप करवा रहे हो तो इलेक्ट्रोलाइट्स के आयन्स ब्रेक हो गए, वो ऑफकोर्स इलेक्ट्रोड पे ही जाके इकट्ठा होते हैं, तो कितना इकट्ठा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कितना करंट मैंने पास किया. अब यहीं पे जेड को उन्होंने डिफाइन करने की कोशिश की है, जब आई को और टी को 1-1 कर दिया गया तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, दैट इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट इज पास्ड फॉर 1 सेकेंड. यहाँ पे W इज़ इक्वल टू ZIT है, तो मान लो I 1 एम्पियर है, टी 1 एम्पियर है, मतलब जब आप 1 एम्पियर करंट को 1 सेकेंड के लिए पास करते हो तो जितना अमाउंट डिपॉजिट होता है उसे ही बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है. दूसरा लॉ इलेक्ट्रोलिसिस का देखो, ये क्या कहता है. पिछली बार हमने क्या बोला था, उस समय हम सिंगल इलेक्ट्रोड की बात कर रहे थे, मतलब सिंगल सेल की, उसमें 2 इलेक्ट्रोड. इस बार मान लो आपने एक से ज़्यादा जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसको ऐड कर दिया, एक दूसरे से सीरीज़ में कनेक्ट है. जैसे पहला देखो AgNO3 का है यहाँ पर, ठीक है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रोड अपना है. दूसरा सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का, एक तीसरा भी लिया गया है डाइल्यूट H2SO4 का. तो दूसरा लॉ कहता है कि जब आप सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज में कनेक्टेड है मतलब तीनों के थ्रू सेम करंट पास करेगा. तो ये बोलता है कि जब आप बहुत सारे सॉल्यूशंस को, मतलब डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स को सीरीज में कनेक्ट करते हो और उसके थ्रू सेम करंट पास करते हो, तो इलेक्ट्रोड पे जो अमाउंट डिपॉजिट होता है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट मासेस. मतलब जो आयन्स डिपॉजिट होंगे उन आयन्स के
इक्विवेलेंट मास में। तो बोलता है ये क्या है, व्हेन द सेम करंट इज पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स कनेक्टेड इन सीरीज द अमाउंट या मास ऑफ सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट इक्विवेलेंट मास। तो पहले दो को कंपेयर करो, मान लो सिल्वर और कॉपर सल्फेट वाले करते हो, तो सिल्वर का कितना डिपॉजिट होगा और कॉपर का कितना डिपॉजिट होगा, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट इक्विवेलेंट। तो उसी को डायरेक्टली लिखा हुआ है, मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड बाई दूसरे का मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड वो किसके बराबर होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर एंड इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। उसी तरीके से हाइड्रोजन और सिल्वर को कंपेयर कर लो, या कॉपर हाइड्रोजन को, जिसको भी करना, क्योंकि सब सीरीज में ही है। मास ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड बाई मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड किसके होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर। सिंपल सी चीज़ है ये, ठीक है। अब मान लो कोई भी दो, मान लो जैसे पहला वाला इक्वेशन जो दिया, मास ऑफ सिल्वर बाई मास ऑफ कॉपर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। तो मान लो मास जो डिपॉजिट हुआ है एक का, सिल्वर का W1 है और W2 किसका है, कॉपर का, और E1 मान लो सिल्वर का इक्विवेलेंट मास है और E2 सिल्वर का कॉपर का इक्विवेलेंट मास है। तो उसके इक्वेशन से क्या हो जाएगा, W1 बाई W2 इज इक्वल टू E1 बाई E2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हमें पीछे वाले इक्वेशन से हमने देखा था W क्या होता है, ZIT होता है, ये देखो ये हमने देखा था पिछले वाले से। तो W1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, Z1IT। Z1 क्या है, इक्विवेलेंट मास है। तो इक्विवेलेंट मास तो सबका अलग अलग, हर एक आयन का इक्विवेलेंट मास होता क्या है, अगर आपको याद होगा, मॉलिकुलर मास डिवाइडेड बाई एसिडिटी या बेसिसिटी या वैलेंसी वगैरह जो भी होता है, कितने आयन्स का चेंज हुआ। तो W1 को हम लिख सकते हैं Z1IT, I इंटू T तो सेम रहेगा, सेम करंट हम पास कर रहे हैं, सेम टाइम के लिए ही पास होगा, तो I और T सेम होगा, Z1 और Z2 अलग होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1 बाई E2। IT कैंसिल हो जाएगा, तो बचा गया Z1 बाई Z2 इज इक्वल टू E बाई E2, मतलब इक्विवेलेंट मास जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के, ठीक है। इससे सेकेंड इक्वेशन से ये चीज़ मिलता है, मतलब इक्विवेलेंट मास उल्टा करके लिखा है, इक्विवेलेंट मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब उस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हो तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है, इसी को ही बोला जाता है फैराडेज कांस्टेंट। क्या कहते हैं, फैराडे कांस्टेंट। और फैराडे कांस्टेंट क्या होता है, दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन या किसी भी चीज़ के 1 मोल में कितना पार्टिकल्स होते हैं, एवोगाड्रोज नंबर के बराबर, मतलब 6.02 × 10^23 उतने मॉलिक्यूल्स में कितने चार्ज होंगे। तो एक चार्ज इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10^-19, और एवोगाड्रोज नंबर 6.02 × 10^23। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 फैराडे की वैल्यू आती है, और वो आता है लगभग 965, एग्जैक्ट वैल्यू होती है 96478 कुछ ऐसा आता है, ठीक है, कूलम्ब आता है। तो उसी को राउंड फिगर में 96500 लेते हैं। तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई बाई एफ, जो आप इधर देख रहे हो ना, ये वाला इक्वेशन ऊपर वाला देखो लास्ट में इधर, ई इज इक्वल टू एफ बाई जेड। तो जेड क्या हो जाएगा, ई बाई एफ, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाई फैराडेज कॉन्स्टेंट। हाँ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट मास अपन फैराडेज कॉन्स्टेंट, और फैराडेज कॉन्स्टेंट की वैल्यू सीधे दी गई है। तो यही दो लॉ हैं इलेक्ट्रोलिसिस के। एक दो क्वेश्चन है इसको आप करने के, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं लाइव क्लास में बता दूंगा आप लोगों से, इस ऐसे थोड़ी क्वेश्चन एक्सप्लेन किया जाएगा PDF। ये तो मैं इसलिए PDF यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज इट्स सिंपल थिंग्स, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेल्स एंड द बैटरीज। देखो हम लोग सेल बैटरी दोनों वर्ड कॉमनली यूज़ कर देते हैं, लेकिन दोनों साइंटिफिकली अलग चीज़ है। जब हम एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड की बात करते हैं, मतलब एक कैथोड और एनोड, तो एक सेल कहलाता है, और एक साथ बहुत सारे सेल को ऐड करते हो तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी, ठीक है। जैसे आप टॉर्च वगैरह में यूज़ करते हो, अगर सिंगल चीज़ यूज कर रहे हो तो वो सेल है, लेकिन एक से ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो फिर वो कॉम्बिनेशन कहलाएगा बैटरी। जैसे कार वगैरह में देखते हो, उसमें 5, 6, 6 या 12 वाले होते हैं, होल्स होते हैं जिसमें आप एसिड वगैरह डालते हो, तो जो होल्स होते हैं उसमें क्या, आप इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हो, H2SO4 इज योर इलेक्ट्रोलाइट, HCl इज योर इलेक्ट्रोलाइट, और जिस होल में डालते हो दे आर द सेल्स। कोई 6 होल वाला बैटरी यूज़ करते हो, 6 होल मतलब इलेक्ट्रोड है वो एक्चुअली में, कहीं पे 12 वाला होता है, तो दैट डिपेंड्स, ठीक है।
चलो अब इसके बारे में थोड़े, अब जो ये सेल्स जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी सेल्स एंड सेकेंडरी सेल्स, जल्दी से डिस्कस करते हैं। प्राइमरी सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनको रिचार्ज नहीं किया जा सकता, मीन्स सेल रिएक्शन अकर्स इन ओनली वन डायरेक्शन। आप वापस उसमें करंट सप्लाई करके सोचो कि रिचार्ज कर दो, नहीं हुआ। जैसे कि आप सेल ये टॉर्च में जो बैटरी यूज़ करते हो, हमारे जो रिस्ट वॉचेस में जो बैटरी होता है, कैलकुलेटर में जो बैटरी होता है, ये सब क्या होता है, एक बार यूज़ हो जाता है तो आपको हटाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसको आप रिचार्ज नहीं कर सकते हो। मतलब सेल जो है उसका फंक्शन रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में होता है, वापस उल्टा डायरेक्शन में ला के उसको चार्ज नहीं कर सकते। जो जो बैटरी आप रिचार्ज कर देते हो क्या होता है, पहले एक डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा था, ख़त्म हो गया, तो आप जाते हो दुकान वगैरह पर उसको चार्ज किया जाता है, अब तो घरों में ही हम कर लेते हैं। जैसे आपके घर में क्या होता है, ये क्या यूज़ करते हैं कॉमनली यार हम लोग, इन्वर्टर, क्या होता है आप यूज़ करते हो उसे जब करंट नहीं होता है तो, लेकिन देखते हो बिजली से कनेक्टेड होता है वो। क्यों? क्योंकि जब बिजली आएगी तो वापस वो रिचार्ज हो जाएगा। मतलब पहले एक डायरेक्शन में हमने इसको यूज़ कर लिया, केमिकल एनर्जी गॉट कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नाउ व्हेन द करंट इज़ देयर, सेम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इंटू केमिकल एनर्जी। तो वो रिचार्जेबल बैटरी होता है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी सेल। क्या कहते हैं? सेकेंडरी। ये वाला है प्राइमरी सेल। तो सेल्स दो टाइप के हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी सेल्स आर द सेल्स जो रिचार्ज नहीं किए जा सकते, मीन्स सेल रिएक्शन हैपन्स इन ओनली वन डायरेक्शन। ठीक है, वंस दे आर डेड मीन्स दे आर डेड, यू कैन नॉट रीयूज दैम अगेन। डैनियल सेल्स होते हैं, ड्राई सेल्स, मरकरी सेल्स। मरकरी सेल्स जो होते हैं वही यूज होते हैं किसमें, बैटरीज, सॉरी नॉट बैटरी, मतलब रिस्ट वॉचेस, कैलकुलेटर्स, ईयरफोन्स, ये सब में वही चीज़ यूज़ होते हैं। ठीक है, अब तो रिचार्जेबल ईयरफोन्स आने लगे हैं तो वो अलग चीज़ है, तो सेकेंडरी सेल वाले वो भी हो गए। हमें दो चीज़ें पढ़नी है इसमें, एक ड्राई सेल के बारे में पढ़ना है और एक ये मरकरी सेल के बारे में पढ़ना है। तो लेट्स बिगिन विद ड्राई सेल। ड्राई सेल आपको देखा है, याद करो टॉर्च में जो बैटरी लगाते हो, नॉट बैटरी अगेन, सेल, उसको लेक्लांचे सेल भी बोलते हैं, बिकॉज देर वॉज अ साइंटिस्ट हुज नेम वॉज लेक्लांचे, तो उन्हीं के नाम पे वो चीज़ दिया गया है, लेक्लांचे। इसे ड्राई सेल बोलते हैं। होता है कि आपने देखा होगा एवेरेडी, निपॉन, पता नहीं क्या क्या कंपनीज की आती है, देखते हो बाहर से ऊपर एक कवरिंग होता है, कार्डबोर्ड का होता है वो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले बाहर एक कार्डबोर्ड का या प्लास्टिक का कवरिंग होता है, आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, उसके एकदम उससे ही चिपका हुआ एक लेयर होता है जिंक का। किसका होता है? जिंक का। ये देखो ये जिंक लिखा हुआ है, तो सबसे बाहर कार्डबोर्ड है, उसी के साथ एकदम चिपका हुआ जिंक है, जिंक का कंटेनर होता है, दैट एक्ट्स एज एनोड। अब बीच में आप देखते हो उस बैटरी को, कभी आपने खोला होगा या ऐसे भी देखते हो, बैट सेल के बीच में एक सेंटर में एक उठा हुआ रहता है, ये ऊपर देखो प्लस लिखा हुआ, एक उठा हुआ लिखा हुआ, ऐसे ही अभी भी बैटरी सेल जो भी है टॉर्च का निकाल कर देखना, उसको तोड़ के भी देख सकते हो, बीच में एकदम एक रॉड होता है। ठीक है, उसी का वो उठा हुआ पार्ट है, तो दैट इज़ कार्बन, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड होता है वो, और उसी के अराउंड मैंगनीज डाइऑक्साइड और कार्बन का एक पेस्ट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक पूरा का पूरा सिस्टम एक्ट्स एज कैथोड, मतलब सेंटर वाला आप देख रहे हो ग्रेफाइट, उसके साथ MnO2 एंड कार्बन, कार्बन का ही पाउडर भी होता है और ये ग्रेफाइट कार्बन ही होता है। तो दिस कंप्लीट सिस्टम MnO2 प्लस कार्बन ग्रेफाइट जो भी है, दैट एक्ट्स एज कैथोड, और कार्डबोर्ड से जो चिपका हुआ जिंक कंटेनर था, दैट एक्ट्स एज एनोड। अब बाकी जितना भी स्पेस होता है दैट इज़ फिल्ड विद द इलेक्ट्रोलाइट, कौन सा, अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड, नाम देख सकते हो लास्ट में, पेस्ट ऑफ NH4Cl एंड ZnCl2। ठीक है, अब बाद में ऊपर से उसको सील कर दिया जाता है, जिस चीज़ से भी कर दो। तो दिस इज़ योर क्या, ड्राई सेल। अब देखो एनोड किसका बना है, जिंक का, और कैथोड MnO2 और कार्बन का। तो एनोड पे कौन सा रिएक्शन, जिंक जो होता है जिंक आयन में अपने कन्वर्ट हो जाता है, और कैथोड पे MnO2 मतलब मैंगनीज डाइऑक्साइड और कार्बन, जो मैंगनीज डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मैंगनीज हाइड्रोक्साइड में, और अमोनिया फ्री हो जाता है। अमोनियम आयन से कम्बाइन, यहाँ पर था ना NH4Cl, तो उसके आयन से कम्बाइन करता है MnO2, और वाटर तो होता ही क्योंकि पेस्ट है, तो MnOH में कन्वर्ट होता है और अमोनिया फ्री हो जाता है। अब ये जो अमोनिया फ्री हुआ है, ये देखो NH3, ऊपर जो जिंक फ्री है उसके साथ कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स बना देता है। ये सब बैटरीज टाइम के साथ ख़राब हो जाती हैं, क्यों, क्योंकि NH4Cl जो होता है दैट इज़ एसिडिक,
और धीरे धीरे वो सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, मतलब ये जो जिंक वगैरह लगा हुआ है उसको कोरोड कर देगा, कोरोजन हो जाता है। अब वही सब टाइम होता है जिसके बाद आपको बैटरी चेंज करना पड़ जाता है, जब NH4Cl वगैरह पूरा कंज्यूम हो जाता है। तो दिस इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ ड्राई सेल, दैट इज़ ड्राई सॉरी प्राइमरी सेल। एग्जाम्पल एक था ड्राई सेल, इसको लेक्लांचे सेल भी बोलते हैं। सेकेंड इज़ मर्करी सेल, इसी की मैं बात कर रहा था जो हम लोग कैमरा में वॉचेस इन सब चीज़ों में ये यूज़ होती हैं। इसमें कैथोड जो होता है किस चीज़ का बना होता है, HGO और कार्बन। HGO मतलब मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड कार्बन का, और एनोड जो होता है जिंक प्लस मर्करी का। मर्करी के साथ किसी चीज़ का कॉम्बिनेशन क्या कहता है, एमलगम एलॉयज होता है। तो जिंक मर्करी एमलगम होता है, वो एनोड होता है, ठीक है। और HGO और कार्बन का कैथोड होता है। तो एनोड पे कौन सा रिएक्शन है, जिंक है। और हाँ, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो जिंक ऑक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का होता है, मतलब OH आयन मेरा मौजूद होता है। तो जिंक जो होता है OH आयन से कंबाइन करके जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और वाटर फ्री करता है। उसी तरीके से HGO जो कैथोड का काम कर रहा था, वो फ्री जो यहाँ पे वाटर निकला उससे कंबाइन करता है और ये हाइड्रोक्साइड आयन को फिर से रिलीज़ कर देता है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट को फिर से रिलीज़ कर देता है और खुद HG में कन्वर्ट हो जाता है। आपको एक्चुअली में यही सब चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। एनोड ये, अब मैं कितना भी इसको एक्सप्लेन करूँ से नहीं, आपको याद रखना पड़ेगा ये किसी भी सेल में कैथोड एनोड किस चीज़ का बना है और कौन सा रिएक्शन होता है, ठीक है। तो दिस इज़ मर्करी सेल। दूसरा मैंने बताया था आपको सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल्स तो मैंने बताया ही, जिनको हम फिर से रिचार्ज कर सकते हैं बाई पासिंग द करेंट, क्योंकि फिर से यूज कर लेते हैं। तो इनको हम रिपीटेड एक्शन सेल्स भी बोलते हैं, स्टोरेज सेल्स भी बोलते हैं और एक्यूमुलेटर्स भी बोलते हैं, मतलब एक्यूमुलेट करते हैं, स्टोर करते हैं चीज़ों को। ये तो ये अलग अलग नाम है सेकेंडरी सेल्स के। सेकेंडरी सेल्स आर द सेल्स विच कैन बी रिचार्ज बाई पासिंग करेंट। दे आर ऑल्सो कॉल्ड रिपीटेड एक्शन सेल्स, क्योंकि फिर से यूज करते हैं। स्टोरेज सेल्स, क्योंकि स्टोर करते हैं एनर्जी को ये। और एक्यूमुलेटर्स, एक्यूमुलेटर्स का मतलब ही क्या होता है, स्टोर करना, एक्यूमुलेट करना, ठीक है। इसमें भी एक दो एग्जाम्पल आपको पढ़ना है, एक लेड स्टोरेज पढ़ना है और एक कैडमियम वाला पढ़ना है, सपोज लेट मी चेक, हाँ निकल कैडमियम स्टोरेज सेल, निकैड सेल जिसे बोलते हैं। जस्ट मिनट लेट मी चेक द वीडियो साइज। चलो जल्दी से बता दूँ मैं इसको लेड स्टोरेज, बहुत ज़्यादा कहानी नहीं इसमें से ध्यान देना है, बस ध्यान दो मैं जो जो बोल रहा हूँ। लेड स्टोरेज सेल जो होता है, एनोड जो होता है बना होता है लेड का, एकदम प्योर लेड का बना होता है। उसके ऊपर पाउडर्ड फॉर्म में और फाइनली डिवाइडेड लेड को और डिपॉजिट कर दिया जाता है। क्यों फाइनली डिवाइडेड करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, अच्छे से टूट जाएगा कोई भी चीज़ तो अच्छे से काम करता है। और इसका जो कैथोड होता है वो बना होता है लेड, और उसके ऊपर लेड ऑक्साइड का लेयर होता है। तो एनोड किस चीज़ का बना है, सिर्फ लेड का, अलॉन्ग विथ फाइनली डिवाइडेड लेड का ही ऊपर से एक लेयर होगा। और कैथोड बना होता है लेड प्लस उसके ऊपर लेड ऑक्साइड का एक लेयर होता है, ठीक है। और इसका जो इलेक्ट्रोलाइट होता है अंदर, जिसका आयनाइजेशन होगा, दैट इज़ H2SO4, 38% H2SO4, ये इंपॉर्टेंट है। 38% H2SO4 इज़ द लेड स्टोरेज सेल का इलेक्ट्रोलाइट, ये याद रखना, ठीक है। और इसके सेल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो एनोड पे क्या होता है, लेड हमने बताया सिर्फ, तो कन्वर्ट होता है लेड सल्फेट में, रिएक्शन देखेंगे अगर। और हमने बताया था, और बीच में 38% H2SO4 बीच में जो लिखा हुआ है, दैट इज़ इलेक्ट्रोलाइट। और लेड का कैथोड बन क्या बताता है, लेड ऑक्साइड का, और वापस कन्वर्ट हो जाता है वो लेड में, ठीक है। तो इस कॉम्बिनेशन को बोला जाता है, ये इस रिप्रेजेंटेशन है लेड स्टोरेज सेल का, ठीक है। एनोड इस और कैथोड पे जो रिएक्शंस होता है वो देख लो, इसका स्ट्रक्चर वगैरह को उतना ज़्यादा कहानी नहीं जाना, यही देखो मैं बता रहा था। आप देख सकते हो, जो आप देखते हो घर वगैरह में बैटरी होता है, देखते हो इसमें होल्स होते हैं ऊपर से, हम लोग H2SO4 या ऐसी जो भी एसिड हो ऐड करते हैं। देखो यहाँ पे काउंटिंग करो, ऐसे ही होल्स होते हैं, इसी में हम डालते हैं ऊपर से एसिड वगैरह। तो इसमें एक प्लेट जो होता है कैथोड की तरह लेड प्लस लेड ऑक्साइड लिखा हुआ है, और जो नेगेटिव होता है वो सिर्फ लेड होता है, मतलब एनोड। उसके बीच में आप H2SO4 ऐड करते हो। देखो एनोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, PB जो होता है वही H2SO4 से कंबाइन करता है सल्फेट से, मतलब सब करंट जब पास करते हैं तो H2SO4 H+ और SO4 में ब्रेक होता है, तो लेड और SO4 कंबाइन करके लेड सल्फेट बना दिया, ठीक है। और कैथोड पे क्या होता है, लेड ऑक्साइड होता है, ठीक है, वो भी सल्फेट से कंबाइन करता है और वो सिंपली लेड सल्फेट और वाटर बनाया, ठीक है।
दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करो या ना करो से कोई मतलब नहीं है, आपको बस याद रखना है कौन सा कैथोड एनोड पर रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। और यही जब पूरा का पूरा H2SO4 यूज हो जाता है तो बैटरी क्या हो गया डिस्ट, क्योंकि SO4 क्या हो रहा है देखो, लेड के साथ कंबाइन कर रहा है, लेड ऑक्साइड के साथ कंबाइन कर रहा है, और किस में कन्वर्ट हो रहा है, लेड सल्फेट में। तो ये कब तक रिएक्शन चलेगा, जब तक जो आप H2SO4 ऐड किए हो यहाँ पर पूरा का पूरा कंज्यूम ना हो जाए। तो जैसे ही H2SO4 पूरा कंज्यूम हो गया मतलब क्या हो गया, बैटरी डिस्चार्ज हो गया, अब मुझे उसे चार्ज करने की जरूरत है। तो जब आप चार्ज करोगे तो क्या होगा, यही रिएक्शन उल्टा क्या बना है, PbSO4 बना है। तो जब करंट पास करोगे तो लेड लेड ऑक्साइड और लेड में वापस चेंज हो जाता है, यही रिएक्शन ठीक उल्टा कर देना है आपको। देखो यहाँ पर ये लेड सल्फेट लेड में चेंज हो गया और लेड सल्फेट फिर लेड ऑक्साइड में भी चेंज हो गया, उसी एक को याद रखो और रिचार्जिंग में उसको उल्टा कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपको बस ध्यान रखना है, इस तरीके यही लेड स्टोरेज बैटरी होता है। हर एक का आप दो चीज़ें याद रखो, क्या कैथोड है, क्या एनोड है और कौन से रिएक्शन होते हैं, ये तीन चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। दूसरा इसमें जो आपको पढ़ना है दैट इज़ निकेट सेल। निकेट सेल क्या होता है, निकल कैडमियम सेल, ये भी क्या होता है, रिचार्जेबल होता है। इसमें जो एनोड होता है वो कैडमियम का बना होता है और जो कैथोड होता है वो निकल ऑक्साइड का बना होता है, NiO2 का। आप देख सकते हो यहाँ पर एनोड पे देखो CD है और कैथोड पे NiO2 है, ठीक है। और इसमें KOH जो होता है, NaOH भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, KOH या NOH यूज़ कर सकते हो इलेक्ट्रोलाइट की तरह। नीचे देख रहे हो फ्यूल सेल है, इसमें भी वही चीज़ होता है, KOH या NOH यूज़ कर सकते हो आप किसकी तरह, मतलब वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह। तो निकल कैडमियम की बात करते हैं, नाम में ही उसका आंसर है, निकल इज़ कैथोड, निकल एक्ट्राइन निकल ऑक्साइड एंड कैडमियम इज़ द एनोड। एनोड पे क्या होता है, चूँकि इलेक्ट्रोलाइट क्या है, KOH है, तो K प्लस और OH माइनस में ब्रेक होता है, तो कैडमियम OH से कंबाइन करके CDOH बनाता है, और वही निकल ऑक्साइड भी अपना वाटर वगैरह से OH रिलीज हो उससे कंबाइन करके निकल हाइड्रोक्साइड बना देता है। बस इतना चीज़ याद रखो, आपके लिए बहुत है, उससे ज़्यादा कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, इतनी सारी कहानी, ठीक है। किस टाइप का सेल है ये, सेकेंडरी सेल है, नाम क्या है इसका, निकल कैडमियम जिसको निकेड भी बोलते हैं, कैथोड एनोड क्या है, एनोड इज़ कैडमियम, कैथोड इज निकल ऑक्साइड NiO2, और रिएक्शन क्या हो रहा है, बस। कोई सेल पोटेंशियल जो EMF वगैरह दिया हुआ है 1.4 2.8 जो भी हो डोंट रिक्वायर, बस। हाँ एक इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का याद रखना, इलेक्ट्रोलाइट मोस्ट ऑफ द सेल्स में H2SO4 या KOH ही यूज़ होते हैं या NaOH, ना कुछ याद है तो गूगल में से कुछ भी लिख देना, ठीक है। अब एक और है फ्यूल सेल्स, फ्यूल सेल्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको जो पढ़ना है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल पढ़ना है, क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल यही लोग हैं। ऐसे कोई भी चीज़ जो फ्यूल की तरह काम करता है उसको यूज़ करके फ्यूल सेल आप बना सकते हो, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं मेथेन इथेन ब्यूटेन, इन सब को यूज़ करके आप फ्यूल बना सकते हो, फ्यूल सेल CO2 को भी यूज़ करके बना सकते हो, ठीक है। H2 और ऑक्सीजन जो हम पढ़ना है हमें, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसको बैकन सेल भी बोलते हैं, साइंटिस्ट जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था डिज़ाइन किया था उन्हीं के नाम पे है ये, ठीक है। इसमें एक नाम आपको आएगा, दुनिया में जो सबसे पहला US का जो ये गया था क्या बोलते हैं अपोलो स्पेस प्रोग्राम, हाँ ये देखो इसीलिए इम्पोर्टेंट यहाँ लिखा हुआ है, अपोलो स्पेस प्रोग्राम जो स्पेस में उन्होंने अपोलो सैटेलाइट छोड़ा था उसमें इसी को यूज करके ये किया था इन्होंने, क्या मतलब एनर्जी सोर्स की तरह इसी सेल को यूज़ किया था इन्होंने। इसमें क्या होता है, जो देखो इधर दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं कार्बन की तरह, इसमें कोई भी चीज़ कैथोड वगैरह जैसे एनोड वगैरह ये सब दोनों कार्बन से ही बने होते हैं, KOH या NaOH का इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब ऊपर वाले सेल वगैरह में आप क्या देख रहे थे, कोई भी चीज़ अलग से सप्लाई नहीं करना पड़ा, दो अलग अलग आयंस होते थे अपना काम कर रहे हैं अंदर ही, चार्ज हो रहे हैं रिचार्ज हो रहे हैं डिस्चार्ज हो रहे हैं सब हो रहे हैं। इसमें क्या होता है, फ्यूल सेल में एक अंतर होता है, इसमें आपको अलग से H2 और O2 सप्लाई करना पड़ता है जिस चीज़ का आप बना रहे हो, और जब तक सप्लाई करोगे तब तक फ्यूल सेल चलेगा, अदरवाइज ये बंद रहेगा, फिर जब ट्रांसफर करोगे उसके अंदर तो वो चलेगा। तो H2O2 सेल दिया हुआ, इसमें कैथोड होते हैं किस चीज़ के, कार्बन के, एनोड भी होते हैं कार्बन के, ठीक है।
उसके बाद उसमें कुछ कैटलिस्ट वगैरह ऐड करते हैं रिएक्शन वगैरह को चलाने, जैसे प्लैटिनम, निकल, ये सब ऐड कर सकते हो आप, क्योंकि एनी वेज उस पर H2 का काफ़ी अच्छा एडजॉर्प्शन होता है, हमने चैप्टर 5 में पढ़ेंगे इस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद इनके बीच में KOH या NOH का इलेक्ट्रोलाइट की तरह पास किया रखा जाता है। अब आप दोनों एंड से, मतलब दो एंड बनाया जाता है एक एक तरफ से, H2 गैस पास करो, O2 गैस पास करो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। तो जब H2O2 आप पास करोगे तो क्या होगा, दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन होता है एनोड पे। कैथोड पे क्या होता है, जो ऑक्सीजन वगैरह है वो जो वाटर बना हुआ है उससे कंबाइन करता है, वापस हाइड्रोक्साइड आयन बना देता है, मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट को फिर से रीजनरेट कर देता है। तो इस पूरे प्रोसेस में हमने ऑलरेडी पढ़ा है कई बार ये सब चीज़ें, आप लोगों को पता, वाटर का फॉर्मेशन का एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब हीट को रिलीज़ करता है। तो यहाँ पे भी उसी चीज़ को यूज किया जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, वाटर बन रहा है, और वाटर बन रहा है तो एनर्जी रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। उसी एनर्जी से जो भी काम करना है हम कर पाते हैं, ठीक है। और जो वाटर बनता है उसको वापस यूज भी हो जाता है सेल के अंदर, उसको ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए भी यूज कर सकते हो, क्योंकि प्योर वाटर फॉर्म हो रहा है। जो स्पेस में जो लोग गए थे अपोलो में, वो लोग भी यहाँ से जो वाटर फॉर्म हो रहा है उसी को यूज़ करके क्या कर रहे थे, अपना ड्रिंकिंग वाटर यूज करते थे। एडवांटेज आते हैं फ्यूल सेल्स के। अब देख लो यहाँ पे कुछ भी गंदगी निकल नहीं रही है, पीछे वाले सेल्स वगैरह क्या होते हैं, वो डिस्चार्ज डिस्चार्ज होता है, उसमें बहुत सारे प्लास्टिक, तो लिक्विड, तो गैस, एसिड, पता नहीं क्या क्या यूज़ होता है, तो वो सब पॉल्यूशन करते हैं। लेकिन ये क्या, ये नॉन पॉल्यूटिंग होता है, पॉल्यूशन फ्री होता है, वाटर है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, एनीवेज पॉल्यूटिंग नहीं, इनकी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। मतलब काफ़ी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ये, ठीक है। ये डिस्चार्ज चार्ज का कोई झंझट नहीं है, जब तक आप H2O2 मतलब फ्यूल देते रहोगे दे कैन कंटिन्यूसली सप्लाई द एनर्जी। ये कुछ एडवांटेज वगैरह हैं इसके, ठीक है। लेट मी क्लोज दिस वीडियो नाउ, इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अ बिट अबाउट कोरोजन, ओके, थैंक यू।